भाभी को हुआ शादीशुदा देवर से प्यार, गहने लेकर हुई फरार, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर खूब हुआ ड्रामा। किसी ने सच्ची कहा है, अवैध रिश्ते की कहानी पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा देवर को भाभी से प्यार हो गया। प्यार भी ऐसा हुआ कि दोनों घर छोड़कर हरियाणा फरार हो गया। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब देवरानी को इसका पता चला। उसके बाद युवक की पत्नी ने दोनों की शादी करवा देने का प्रलोभन देकर वापस घर बुलाया, कहीं घर लौट आओ, तुम दोनों का कोर्ट मैरिज करा देते हैं। यह कहना उस महिला का जिसका पति उसकी जेठानी को लेकर फरार हो गया। जी हाँ, कहानी मुजफ्फरपुर की है, जहां एक शादीशुदा देवर के चक्कर में भाभी फंस गई। भाभी को देवर से इश्क हो गया, इश्क में उसने जीने मरने की कसमें खाई। देवरानी को लगा उसका सुहाग किसी और की गोद में चला गया है। उसने दिमाग से काम लिया और पति के साथ अपनी जेठानी को फोन कर कहा कि घर लौटाओ, तुम्हारा कोर्ट मैरिज करा देंगे। उसके बाद जैसे ही दोनों हरियाणा से मुजफ्फरपुर लौटे, रेलवे स्टेशन पर हंगामा खड़ा हो गया और हाई वोल्टेज ड्रामा चला। जानकारी के मुताबिक देवर का एक बच्चा भी है, जबकि भाभी के अभी बच्चे नहीं है। महिला अपने घर से गहने लेकर फरार हुई और उसे पटना में 28,000 में बेच दिया, फिर अपने देवर के साथ पानीपत चली गई। बाद में युवक की पत्नी ने फोन करके कहा कि दोनों की शादी करवा देंगे, जिसके बाद दोनों प्रेमी जोड़ों को मुजफ्फरपुर जंक्शन बुलाया गया, जहां पर दोनों के परिजन पहले से मौजूद थे। युवक ने कहा कि उसकी उम्र 22 साल है और उसकी शादी 19 वर्ष युक्ति से 2021 में हुई थी। उनका एक बच्चा भी है। उसकी भाभी की उम्र 22 वर्ष है। उसकी शादी वर्ष 2019 में उसके चचेरे भाई से हुई थी। पहले से ही वो अपनी भाभी से बहुत बातें करता था, लेकिन इधर आकर वह ज्यादा होने लगी थी। 9 महीने तक दोनों एक दूसरे से छिप छिपा कर मिलते रहे, लेकिन जब अलग नहीं रह पाए तो घर छोड़कर भागने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बोले भारत।